Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अब बताइए, आप वीडियो बना के बिकाए, वायरल भी हो गए, मगर तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ा। आप बताइए, मैं योगी जी से बस ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो आके यहाँ पे हमारी समस्या सुने, उसका सावधान करें, यहाँ आके सुने हमारी समस्या। मैं अखिलेश जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आके हमारा घर देखे, हमारी एक बार सूचना तो करे। सर बनाया है, यही खेलते हैं आप? जी सर। अगर कुछ हुआ तो कहाँ खेलेंगे? जब कुछ होगा, जब हमारी जमीन छीन ले जाएगी तो हम लोग कहाँ खेलेंगे? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? घर को तोड़ देंगे अगर हम लोगों का। मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, महात्मा गांधी, आपने उनके तीन बंदरों की कहानी सुनी होगी। एक के आंख बंद, एक का मुंह बंद और एक के कान बंद। महात्मा गांधी का विरोध का जो तरीका था वो अहिंसा से परिपूर्ण था और शायद उसी तरीके को अपनाते लखनऊ के रहीम नगर, पंत नगर के निवासी अपना रहे हैं, विरोध में एलडीए और सिंचाई विभाग के उस एक्शन के, जहां घरों में लगा दिए गए हैं लाल निशान, बच्चे हों या महिलाएं हों। आप देखिए, किसी ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, कोई अपने कान बंद किए हुए है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे आपको दिखेंगे जो आंखों पर भी हाथ रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे पोस्टर्स बनाए हुए हैं और ये विरोध अभी भी इन सभी बच्चों का जारी है। इनसे हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। आप लोग स्कूल ड्रेस में हो, स्कूल करके आए हो अभी? जी, हम लोग जस्ट अभी आ रहे हैं। मेरे घर में ताले लगा हुआ था तो मैं अपना बैग वहाँ रख के अपनी मम्मी पापा को यहाँ ढूंढने आई थी। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा, यहाँ पे इस समय मेरा खाना पीने का टाइम है कि यहाँ पे मीडिया वाले से बोलने का टाइम है? आप ये बताइए मुझे, जब ये सरकार बोलती है कि घर अवैध है तो यानी कि सरकार भी अवैध है? ऐसे कैसे हमारा घर अवैध है? जब हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स है तो हमारा कैसे घर अवैध है? कैसे अवैध है? किस तरह से अवैध है? जब हमारे पास सारी हर एक बुद्धा भर की डॉक्यूमेंट्स है तो आप कैसे हमारे घर को डॉक्यूमेंट्स को कैसे अवैध बोल सकते हैं? कैसे, किस तरह बोल सकते हैं? हम खाने पीने की वजह हम लोग यहाँ आके आपके सामने बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इतनी गड़गड़ाती धूप में बच्चे लोग, आप लोग बोलते हैं कि लड़कियां बाहर ना निकले, और इतनी गड़गड़ाती धूप में हम लोग यहाँ आके बोल रहे हैं मीडिया लोग। क्यों बोल रही हैं, क्या दिक्कत है आपको? भले ही हम लोग को दुख हो रहा है, हमारा घर टूटा है, तो क्यों ना बोले हम लोग? भले ही वो हमारा घर तोड़ दे, मगर हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग बोलते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग तोड़ दे, मगर हम लोग जब जितनी कोशिश हमारे अंदर उतनी कोशिश हम करें। कौन से क्लास में हैं आप? हम 5 क्लास में। फिर आप क्लास 5 में हैं और एकदम इतनी सयानी है कि आपको सब पता है कि घर जो है वो टूटने वाला है, लाल निशान बन गए। कैसे बोल सकते हैं मेरा घर इनलीगल है? जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आप कैसे बोल सकते हैं मेरा घर इनलीगल है? मेरा घर लीगल है, रहेगा और था। तो आप क्या, हमारे अगर आपने इतना कह दिया कि हमारा घर इनलीगल है, तो यहाँ तक कि हमारे मदर, फादर एंड मदर पुट द डॉक्यूमेंट्स ऑल इन आवर गेट्स, और कौन से क्या क्या लगाया है, जो रजिस्ट्री थी और जो दाखिल खारिज थी सब हम लोग ने अपने गेट पे लगा दिया। अब बताइए, आप वीडियो बना के भी गए, वायरल भी हो गए, मगर तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ा। आप बताइए, मैं योगी जी से बस ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो आके यहाँ पे हमारी समस्या सुने, उसका सावधान करे, यहाँ आके सुने हमारी समस्या। मैं अखिलेश जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आके हमारा घर देखे, हमारी एक बार सूचना तो करे। वो सब बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैंने 7 दिन सर्वे किया, आप कोई भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर दीजिए, उसमें एक भी डॉक्यूमेंट वो सर्वे कर नहीं है। अगर वो सब पता है आपको है, सीसीटीवी और ये जी, अगर वो आए हैं सर्वे करने 7 दिन, तो हम चलिए, वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो तो रोज डेली ऑन होता है, तो उसमें वो जो फुटेज है वो तो दिखाएगा हम लोग को कौन क्या आया है। तो एक बार आप आइए यहाँ पे देखिए, इनको इधर बैठाइए, आइए इधर आइए, बैठिए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश है। क्या बनाया हुआ आपने? ये लिखा है इसमें, ये बोर्ड है इसमें लिखा है वी वांट जस्टिस का पोस्टर बनाए बच्चे हैं, ये प्लेकर्ड्स बने हैं। इन तरह के प्लेकर्ड्स आपने अक्सर प्रोटेस्ट में देखे होंगे राजनीतिक दलों के, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 3rd, 4th, 5th में हैं वो मजबूर है इस तरह के पोस्टर्स लेके बैठने के लिए। क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने ये पोस्टर बनाया? ये पोस्टर की जरूरत आ पड़ी क्योंकि मेरा घर तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये पोस्टर बनाया है। यहीं खेलते हैं आप? जी सर। अगर कुछ हुआ तो कहाँ खेलेंगे? जब कुछ होगा, जब हमारी जमीन छीन ले जाएगी तो हम लोग कहाँ खेलेंगे? फिर
हम लोग कहाँ जाएंगे ये घर को तोड़ देंगे अगर हम लोगों का, हम लोगों के ऊपर एक घर ही है जो हमारी छत है, अगर इसको तोड़ देंगे तो हमारे ऊपर से हमारी छत तो अच्छी नहीं जाएगी। आप क्या क्या नाम है? मेरा नाम पलक है। पलक है, आप एकदम नाक कान पे हाथ रखे हुए थे जी, क्यों ऐसा करना पड़ा? और स्कूल ड्रेस में आप लोग अभी भी आए हैं, बैठ गए यहाँ पे आके? जी जस्ट अभी हम लोग ने स्कूल से आए हैं, और स्कूल से आने के बाद हम लोग को जस्ट घर जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ आकर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को घर जाकर खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, और यहाँ आकर हम लोग मीडिया वाले के सामने बोल रहे हैं। कौन सी क्लास में आप? वन। क्लास वन में है, यहाँ क्यों आई है? हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है। घर तोड़ा जा रहा है, क्या पता चला आपको? मेरा घर ना तोड़ा जाए। आप लोग यहीं खेलते कूदते? हाँ। कुछ हुआ तो कैसे कहाँ खेलेंगे फिर? कहाँ खेलेंगे फिर? खेलेंगे, यही खेलेंगे। रोइए मत, आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ आंसू आ गए। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग डट के खड़े रहेंगे, हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सानवी ओझा। सानवी ओझा। आप मुंह पर हाथ रखे हुए हैं, तीन बंदर गांधी जी के थे, आप लोग उस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि यही सरकार को भी समझना चाहिए। हम लोग नादान है, हम लोग को नहीं समझ में आता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, सब पता चलता है हम लोगों को। ऐसा है ना कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, हम लोग जस्ट अभी अभी स्कूल से आए, हम लोग को खाना खाना चाहिए, घर जाके अपना ड्रेस चेंज करना चाहिए, तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं? हम लोग की मजबूरी है, इस वजह से बोल रहे हैं ना, वरना हम लोग को क्या दिक्कत पड़ती? आप लोग रोइए नहीं बेटा, संभालिए अपने आप को, रोइए नहीं। हम लोग डट के, हम लोग सच्चाई हक की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लोग डट के बोलेंगे, क्यों आज योगी जी हम लोग के यहाँ पे सर्वे क्यों नहीं कर रहे? हम लोग से उनको आके हमारे साथ क्या कहते हैं, जो है अवैध है, वेद है क्या है, उन्हें हमारे साथ साधन निकालना चाहिए इसका, कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मगर नहीं वो तो आप बस इतना समझिए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे इर्द गिर्द, इनकी उम्र महज 8 साल 9 साल, कुछ की 6 साल है, क्लास 5th में है एक लड़की, इनकी मजबूरी ये है कि स्कूल ड्रेस में है, स्कूल से आए हैं पर विरोध में बैठी हैं, मजबूरी इसलिए है। और अहिंसा की जो मैंने बात की, जो गांधी जी के तीन बंदर की तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है, ये तो आपने देखी बच्चों की बात। ये बताइए आप लोग कि इतनी सारी चीज़ें आप लोग लिए हैं, तो जब ये लोग आए LDA वाले, सिंचाई विभाग वाले, तो आप लोगों की बातचीत कुछ हुई नहीं हुई? पूछे भी नहीं ना, वो आए चुपचाप, जहाँ जहाँ जाना तो मार्क लगाना तो लगा लिए बस। हम बोले हमको क्या करना है, जो सरकार के है भाई वो बोले वो हम करके चले जा रहे हैं। जी आपके बच्चे हैं कितने बड़े बड़े हैं? एक बच्चा है 5 साल का है। वो आपसे कुछ पूछता है कि क्या चल रहा है? पूछता है, बोलता है मम्मा घर क्यों टूटेगा, हम लोगों को किस लिए टूटेगा, फोर्स किस लिए आई है, तो हम उसको क्या जवाब दे बच्चे को? अब ऐसे तो है नहीं कि 2 रुपए में घर बनता है, इतनी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं, मोरम गिट्टी हर चीज महंगा हो गया है, आज की डेट में लोग एक तल्ला घर नहीं बना पाते हैं, हम लोग 2 तल्ला कैसे बसा के चले जाए, कैसे बुलडोजर चलवा दे 2 तल्ले पे, आह तो सबकी आती है। मान लीजिए ससुर जी जब जॉब करते थे तो वो तो बनवा लिए, बच्चे उनके बेरोजगार है, 4 बच्चे हैं, सब ज्वाइंट फैमिली है, कैसे हम लोग बना पाएंगे, कैसे भरपाई कर पाएंगे? आखिर किसी को दर्द होता है ना अंदर में, सरकार को समझना चाहिए ना इस बात के लिए कि हाँ इंसान के अंदर दर्द, इंसान को जानवर बना रखे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ घर तोड़ दे, जहाँ मर्जी वहाँ घर तोड़ दे। अरे तो हम लोगों को किस लिए तोड़ा जा रहा है? हम लोग सारे प्रूफ दिखा रहे हैं ना, नाले के कीड़े तो है नहीं कि उठा फेंक दिए, झोपड़ी तो लगाए नहीं है कि यहाँ कबारेंगे वहाँ लगाएंगे, यहाँ कबारेंगे वहाँ लगाएंगे, झोपड़ी तो है नहीं ना, एक पैसे से हम लोगों ने घर बनाया है। मान लीजिए उस टाइम सस्ती थी तो सब लोगों ने जमीन खरीदा, घर बनाया, अब इतनी महंगाइयाँ बढ़ गई है, घर जमीन खरीदेंगे तो घर नहीं बनेगा, घर बनाएंगे तो जमीन नहीं हो पाएगा। आप लोगों से क्या कोई मैसेज इस तरह का दिया गया है? क्योंकि जैसे अकबर नगर में घर टूटा तो वहाँ पर PM, तुलना नहीं हो रही है, तुलना नहीं हो रही है, जैसे PM आवास योजना वहाँ पर दिया गया, तो क्या आप लोगों को योजना में गुजारा
सेरेमनी नहीं हो पाएगी, हमारी ज्वाइंट फैमिली है भाई, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, पर इस तरह का कुछ आया भी है अभी तक? ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमको चाहिए ही नहीं, जो मेरा है वो सेफ रहने दे, हम उससे कोई चीज मांगना नहीं चाहते, नहीं लेना चाहते, जो मेरा अधिकार है हमको छोड़ दीजिए। वोट हम अधिकार के लिए देते हैं कि हम प्रधानमंत्री योजना के लिए देते हैं? वोट देती है चुनाव में? बिल्कुल देते हैं, वोट नहीं देते हैं तो यहाँ खड़े कैसे? उम्मीद क्या रखती है फिर? उम्मीद तो यही रखते हैं कि घर से बेघर हो जाएंगे, यही उम्मीद है ना? भाजपा को इसीलिए हम लोग वोट दिए थे, तो हम लोग यही करें, घर से निकाले, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, स्कूल एडमिशन कराएं, कहीं भी जाएंगे तो सेटल करने में हमको टाइम लगेगा, कहीं भी जाएंगे तो हमको आउट एरिया में ना मिलेगा, इधर तो मिलेगा नहीं हमको जमीन, कैसे हम कर देंगे, कैसे ना हॉस्पिटल का, कोई पति बेरोजगार बैठे हैं, पति बेरोजगार हैं, कैसे हम करेंगे? पैसे है इतने पास मेरे पास कि मैं घर बना लूंगी? रोजगार के रोजगार दीजिए ना, घर क्यों तोड़ रहे हैं? आज बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मम्मा घर किस लिए टूट रहा है, ये लोग घर तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम बच्चे को क्या जवाब दें? इतने छोटे छोटे बच्चे के क्या असर पड़ रहा है उसके ऊपर? बताएगी क्या जवाब दें? आज का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, किस लिए घर बनाया जाता है? बच्चे के भविष्य के लिए घर बनाना है कि बच्चे हमारे आराम, माँ बाप किस लिए घर बनाते हैं? जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई आज हम लोगों को कॉलोनी में कोई जानता नहीं, आज हम रोड पे खड़े अपने हक के लिए, माँ बाप शादी करता है शहर में देख के किस लिए कि हाँ बेटी मेरी सुखी संपन्न रहेगी, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े हैं, आज हम लोगों को कॉलोनी में कोई जानता नहीं है, आज सब लोग बोल रहे बहुएं इनकी बाहर निकल रही है। आज मेरे माँ बाप पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज हम लोग माँ बाप से कह नहीं पा रहे हैं कि पापा मेरे घर जा रहा है, घर जा रहा है। मैडम जो सिंचाई विभाग है उसका जो डॉक्यूमेंट, उसके मुताबिक इनकी प्लानिंग ये है, इनकी प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग है कि वो यहाँ पर जो है वो रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं। नहीं, रिवर फ्रंट बनाए चाहे जो कुछ भी बनाए, उनकी खाली जमीन वहाँ नाला में पड़ी है, पिलर डाल दे, उनको जो करना है करे, लेकिन मेरा घर सेफ रहने दे बस। इसको आप नाला कह रही है, उसको वो नदी कह रही है, हमारा घर सेफ रहने दे, नाले के बाद जमीन है काफी, आप नाला कह रहे हैं उसको आप नदी, जो मर्जी तो करें। देखिए इस पर तो नाला ही है ना, इसको नाला बनाए, उसके बाद नदी है, अब नदी के बाद समुद्र बना देंगे। दिखाइए नाला, देखिए आराम महिलाएं हैं, और ये देखिए पूरा नक्शा ही पीछे लिए बैठे हैं, ये पीछे चलते हैं, इनको दिखाते हैं, यहाँ आइए, काहे का नक्शा लिया है बैठे? नक्शा है भैया, देख लो, एलडीए वाला है, देख लो, जो जमीन का नक्शा, पूरी जमीन का नक्शा पास हुआ है, कह रहे देखो पहले आप ही फोटो खींच लो, देख लो, ये बताओ, हम लोग कहते हैं मतलब अवैध है, तो हम लोग वहाँ मिलिट्री ग्राउंड पड़ा हुआ, क्यों नहीं घर बनवा लिए ये बताइए? बगल में है मिलिट्री ग्राउंड, वहाँ का एक कैंडिडेट बैठा, बोर्ड लगा, जब ऐसी थी तो तुम बोर्ड लगा देते, कैंडिडेट अपना बैठा देते, हम लोग अंदर घुसते तो घर बनाते। नक्शे में क्या आप दिखाना चाह रही हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं इस नक्शे में, जो कहते हैं पास नहीं है, लीगल नहीं है, तो ये हम दिखा रहे हैं, इसलिए चकबंदी का है, ये चकबंदी के टाइम का नक्शा है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, ये अभी फिलहाल हम आपको फोटो कॉपी दिखा रहे हैं कि ये यहाँ की चकबंदी के टाइम की मैपिंग है, और जैसे सिंचाई विभाग बोल रहा है कि यहाँ पे उनकी जमीन है, ये सिंचाई विभाग का दिया हुआ एनओसी के पेपर है हमारे, दिखाइए, ठीक है, कब का है इसमें यार? नहीं बट मैंने निकलवाया 2018 का है, ठीक है, क्या है इसके मुताबिक बताइए, समझाइए। इसमें एनओसी इसमें पूरा दिया हुआ है कि उनका यहाँ पे कोई भी लीगल राइट नहीं था, ये सिर्फ प्राइवेट सोसाइटी थी, उन्होंने ये चीज मेंशन किया हुआ था सब कुछ, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी रखे। जब एलडीए का नक्शा है, ये सारी चीजें हैं, तो एलडीए वाले किस बिना पे यहाँ पर मार्ग बना? हम जब एलडीए बिल्कुल वो जब हमने उनसे बात करी थी, हमने उनसे ये पूछा कि आपका दिया हुआ एलडीए का पास क्या हुआ नक्शा है हमारे पास लोगों के पास, उन्होंने ये चीज डायरेक्ट बोल दिया कि इलीगल तरीके से कराया गया होगा, और जिन्होंने कराया है हम उन पे एक्शन लेंगे। भाई आप अपने अधिकारियों पे क्यों नहीं एक्शन लेंगे? भाई सीधी सी बात ये है, तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इलीगल तरीके से ही करा लिया गया है, तो सवाल तो यही है कि उस वक्त के जो विभाग के अफसर थे, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, या फिर आलम ये होगा कि कॉलोनियों में महिलाएं बीच में कामकाज छोड़ भरी दोपहरी में धूप के नीचे चेयर लगा कर बैठेंगी, या छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं स्कूल से आते ही इस तरह से यहाँ मौजूद रहकर विरोध प्रदर्शन करने को, हाथ जोड़ने को मजबूर रहेंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शायद वो अफसर, वो विभाग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उस वक्त यहाँ रजिस्ट्री होने दी, अगर ये जमीन अवैध थी, और अगर ये जमीन अवैध नहीं थी या नहीं है तो किस बिना पर यहाँ मार्क्स बनाए गए हैं? और उससे बड़ा सवाल ये है कि कुकरैल नदी है या नाला है, ये भी एक अबूझ पहेली नजर आती है, और उससे बड़ी बात यह कि जो भी बिल्डर रहे उन लोगों ने किस तरह का खेला खेला इनके साथ कि
अगर ये जमीन लीगल भी थी तो रजिस्ट्री कैसे करा दी गई, क्योंकि अगर जमीन सरकारी है तो रजिस्ट्री होना तो पॉसिबल है ही नहीं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।